खबरें प्रेस में आपका स्वागत है। हम आए हैं मुबीन सोलकर जी के ऑफिस में, जो कि बहुत काफ़ी मशहूर एडवोकेट है और काफ़ी माशाल्लाह नामचीन एडवोकेट है, और ऐसे बहुत से केसेस जो है उन्होंने हैंडल किया है, उन्होंने लड़ा है। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है सर। मुबीन सर, जैसा कि आज जो सोशल मीडिया में जो बोला जा रहा है कि हीरा गोल्ड जो कंपनी है वो एक हिसाब से बोला जा रहा है कि पोंजी स्कीम है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या राय है आपकी? देखिए, ये हीरा गोल्ड जो है ये एक पोंजी स्कीम है कि नहीं, ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब कोर्ट इसके बारे में ट्रायल होने के बाद कोई फैसला करेगी। फिलहाल ये कहना कि वो एक पोंजी स्कीम है ये सही नहीं होगा, बिकॉज कई बार ऐसा देखा जाता है कि कंपनीज जो फॉर्म होती है वो इस नीयत से नहीं फॉर्म होती है कि उनको लोग इन्वेस्टर्स को चीट करना है, वो इसके लिए फॉर्म होती है कि उन लोग चाहते हैं, वो कंपनियां चाहती है कि कुछ जो टारगेटेड इन्वेस्टर्स है जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, जो इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, उनको एक इन्वेस्टमेंट का मौका मिले। तो इस नीयत से अगर कोई कंपनी फॉर्म होती है और वो कंपनी जो है चलने के बाद कुछ रीजंस के वजह से अगर डिफॉल्ट करती है और इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं दे पाती, रिटर्न्स नहीं दे पाती, तो इस वजह से उसको पोंजी स्कीम नहीं कहा जा सकता है। तो ये जो है, जहाँ तक हीरा गोल्ड का सवाल है, जब तक कोर्ट ट्रायल होने के बाद ये फैसला नहीं करे, उनको जो है सज़ा नहीं दे के ये एक पोंजी स्कीम थी और इन्होंने जो है फ्रॉडुलेंट डिफॉल्ट किया है इन्वेस्टर्स के ताल्लुक से, जब तक ये कहीं नहीं कहा जा सकता है कि वो एक पोंजी स्कीम है। जैसा कि सर, नुवेरा शेख जी को जो के पुणे और औरंगाबाद से जो बेल मिली थी, तो अब जो मतलब जो बेल मिलेगी वो कंडीशनल बेल होगा कि डिफॉल्ट बेल होगा? देखिए, जहाँ तक बेल का सवाल है, अगर एक कानून में जो है एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए एक वक्त दिया जाता है, और कुछ केसेस के लिए जो है 60 डेज का टाइम होता है, कुछ केसेस के लिए 90 डेज का टाइम होता है। अगर जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी केस में जिसमें नुवेरा शेख को आरोपी बनाया गया है, अगर उसका इन्वेस्टिगेशन अपने मुद्दत में नहीं करती है तो उनको डिफॉल्ट बेल मिल जाता है, एक मैटर ऑफ राइट होता है, एज ऑफ राइट उनको बेल मिल जाता है इस केसेस में। और जिस केस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है मुद्दत के अंदर, तो उस केसेस में जो है डिफॉल्ट बेल नहीं मिलती, उनको मेरिट्स पर जो है बेल के लिए अर्जी करना पड़ेगी और फिर कोर्ट तय करेगा मेरिट्स पे उनको बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। जैसा कि जिन लोगों ने उनके ऊपर केस किया है, तो उनका कब तक के जो है कोर्ट से पैसे मिलने का मतलब ये है? देखिए, पैसे कब तक इन्वेस्टर्स को मिलेंगे इसका कोई फिक्स जो है पीरियड नहीं होगा। इसमें जो है एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जो स्पेशल कोर्ट होते हैं MPID के तहत, वो प्रोसीजर में ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टीज अटैच की जाती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जो है, उसका प्रोसीजर फॉलो करने के बाद वो प्रॉपर्टीज़ को बेचा जाता है, और वो बेचने के बाद जो उसका जो पैसा मिलता है उसको जो है इन्वेस्टर्स के लिए को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया करने की प्रोविजन की गई है। और इस प्रोसीजर को कितना वक्त लग सकता है ये नहीं बता सकते, क्योंकि कई बार इस प्रोसीजर में जो है कई लोग आकर के अपना ऑब्जेक्शन देते हैं कि ये प्रॉपर्टी नहीं बिकनी चाहिए क्योंकि हमारा इसमें इंटरेस्ट है। ऐसा अगर कोई ऑब्जेक्शन आ गया तो ये प्रोसीजर डिले हो सकता है, इस वजह से कोई टाइम लिमिट नहीं दिया जा सकता। लेकिन आपको अभी पता चला होगा कि रिसेंटली 21 फरवरी को जो है एक ऑर्डिनेंस पास किया है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने, जहाँ पर जो है जिसको कहा जाता है कि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स, ये एक नया कानून जो है सरकार ने लाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसके तहत इस प्रोसीजर को प्रॉपर्टीज बेच करके इन्वेस्टर्स को उनका जो है शेयर जो देने के लिए जो सुविधा की गई है इस कानून के तहत, इसमें जो है हर चीज़ का उन्होंने टाइम लिमिट दिया। तो इस ये अगर ऑर्डिनेंस के तहत अगर आगे कार्रवाई की जाएगी और जो केसेस इसके बाद रजिस्टर हो गए उनको जो ये ऑर्डिनेंस लगेगा, तो ये जो प्रोसीजर बहुत जल्दी कंप्लीट होने की उम्मीद है और इन्वेस्टर्स को जल्द से जल्द पैसे मिलने के भी चांसेस है। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मुबीन सोलकर जी से हमने राय मशवरा उनका पूछा और लिया, और जैसा कि इनका कहना है कि हो सकता है कि जिन्होंने भी मतलब जो इन्वेस्ट किया है आगे जाके उनके जो पैसे जो है जल्द मिलने की आशंका भी है। बॉम्बे प्रेस, समझत पठान।